कानपुर में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा रखा है। वहीं हेलेट अस्पताल अपनी लाचारी पर रो रहा है। आलम यह है कि यहां ना तो बेड मिल रहे हैं और ना ऑक्सीजन। वहीं हॉस्पिटल में वेंटिलेटर भी खराब हैं, जिसके चलते तो गंभीर मरीज को लेकर तीमारदार वेंटिलेटर के लिए भी भटक रहे हैं। कहने को तो यह एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यह अपनी बदहाली पर रो रहा है। इस अस्पताल में 3 दिन से कोविड के 34 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं, जिन्हें अभी तक ठीक नहीं कराया जा सका। ऐसे में मरीज की जान बचाना और मुश्किल हो गया है। वहीं इन अव्यवस्थाओं ने शासन के वादों की पोल खोलकर रख दी है। हेलेट हॉस्पिटल में कोविड के 120 वेंटिलेटर हैं, जिससे कि गंभीर मरीजों को बचाया जा सके, लेकिन 34 वेंटिलेटर खराब हो चुके हैं, जिसे बीते हुए 3 दिन हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रशासन को जानकारी है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो सके। इसके साथ ही बेड की भी कमी हुई है, मैन पावर की कमी है, स्टाफ है नहीं, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को है, लेकिन कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। प्रमुख अधीक्षक हेलेट ने बताया कि यदि बेड बढ़ा भी दे तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती है, वहां तक उसके लिए सिलेंडर चाहिए, लेकिन वह भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में डॉक्टर और जो कर्मचारी काम में लगे हैं, वह भी क्या करें। देखिए, 120 कोविड के लिए वेंटिलेटर है, जिसमें से 86 फंक्शनल है, 34 खराब हो गए हैं। ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट है और जो बेड्स हैं तो बेड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं, ये समस्या आ रही है क्योंकि मरीज ज़्यादा हो रहा है। नहीं तो इसमें देखिए चक्कर ये है ना कि बेड्स तो हमारे पास हैं, हम वार्ड और बढ़ा देंगे, लेकिन उन पे काम करने वाला मैन पावर भी तो चाहिए। ऑक्सीजन है लेकिन सेंट्रल सप्लाई उन बेड्स पे नहीं है, तो हम प्रेशर से ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे, तो ये हो ही नहीं पाएगा। बेड्स तो हम दे दें, मेन है कि पाइपलाइन ऑक्सीजन की उन बेड्स पे नहीं होगी। दवाइयाँ तो पूरी पर्याप्त हैं, दवाइयों का कोई इशू नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।